और देखिए एक बड़ी जानकारी आ रही है, अरविंद केजरीवाल की जमानत से जुड़ी हुई। रिलीज ऑर्डर अभी तक तिहाड़ जेल नहीं पहुंचा है, ये सूत्र बता रहे हैं तिहाड़ जेल के। अभी तक खबर थी कि रिलीज ऑर्डर पहुंच चुका है, जिसको परवाना भी कहते हैं, लेकिन अभी तक रिलीज ऑर्डर नहीं पहुंचा है। तिहाड़ जेल में अभी भी रिलीज ऑर्डर का इंतजार है, अरविंद केजरीवाल की बेल की से जुड़ा हुआ रिलीज ऑर्डर। रिलीज ऑर्डर आते ही महज आधा घंटा लगेगा, कुछ ही देर में रिलीज ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला है परवाना। अब करीब 6 बजे जेल से बाहर आने की संभावना है सीएम केजरीवाल की। सीधे जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता, उनके पास चलते हैं। जितेंद्र, अभी तक खबर आ रही थी कि रिलीज ऑर्डर पहुंच गया, अब जानकारी आ रही कि रिलीज ऑर्डर पहुंचा ही नहीं, क्या अपडेट है इसमें? जी बिल्कुल, देखिए दरअसल जो तिहाड़ जेल की कागजी कार्रवाई थी वो अपनी तरफ से पूरी कर ली गई है, लेकिन इंतजार बस रिलीज ऑर्डर आने का। और जैसे ही रिलीज ऑर्डर गौरव यहाँ पहुंचेगा, तिहाड़ जेल सूत्रों का कहना है कि महज आधे घंटे के बाद अरविंद केजरीवाल को रिलीज कर दिया जाएगा। और ये देखिए तैयारियां अभी यहाँ पर शुरू कर दी गई है, जो सीआरपी की टीम है वो बकायदा आपको यहाँ पर, लेकिन जितेंद्र रिलीज ऑर्डर अभी तक पहुंचा क्यों नहीं, इसकी कोई जानकारी है? बकायदा दिल्ली पुलिस की टीम, कहाँ से देरी हो रही है रिलीज ऑर्डर लेकर, क्या वहां से परवाना निकल चुका है कोर्ट से, इस बारे में कोई जानकारी है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, देखिए तिहाड़ सोर्सेज का कहना है कि कुछ ही देर में, यानी कि अगले 10 से 15 मिनट का वक्त और लग सकता है, जब परवाना तिहाड़ जेल पर पहुंचेगा रिलीज ऑर्डर लेकर, और जो कागजी कार्रवाई की जानी थी पहले से तिहाड़ प्रशासन अपनी पूरी कर चुका है। तो ऐसे में बस इंतजार है रिलीज ऑर्डर के पहुंचने का। रिलीज ऑर्डर जैसे ही पहुंचेगा उसके तुरंत बाद अरविंद केजरीवाल सलाखों से बाहर होंगे। तो दरअसल बारिश का माहौल है और दिल्ली में जगह जगह जिस तरीके से इस वक्त जाम लगा हुआ है, तो उसको लेकर भी एक संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है परवाना इसी वजह से लेट हुआ हो। तो लिहाजा अब परवाने के लगातार संपर्क में है टीम, और उनका कहना है कि कुछ ही देर बाद, महज 10 से 15 मिनट का वक्त लगेगा, परवाना रिलीज ऑर्डर लेकर तिहाड़ जेल के अंदर ठीक होगा। है, 10 से 15 मिनट का वक्त और उसके बाद रिलीज ऑर्डर पहुंचेगा तिहाड़ जेल, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल की रिहाई होगी। पहले आसार ये थे कि 5:30 बजे तक अरविंद केजरीवाल रिहा हो सकते हैं, लेकिन 6 बजे तक का वक्त इसमें लग सकता है। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त की ये अहम जानकारी तिहाड़ जेल से दे रहे हैं, और हमारे एक और सहयोगी जितेंद्र भाटी इस वक्त अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर मौजूद हैं, जहां पर पार्टी के कार्यकर्ता नेता बेसब्री से अपने नेता का इंतजार कर रहे हैं। वहां पर आप ये जानकारी दे सकते हैं जितेंद्र भाटी, और नेताओं से कार्यकर्ताओं से बात भी कर सकते हैं। थोड़ा वक्त लग रहा है, 6:00 बजे तक का इंतजार अभी बाकी है ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, देखिए इनका इंतजार जो है वो बड़ा लंबा होता जा रहा है। हालांकि अभी मैं आपको बता दूं कि तैयारी ये चल रही है कि अरविंद केजरीवाल का जो घर है उससे 600-700 मीटर दूरी पर चंदीराम अखाड़ा है, वहां से एक रोड शो निकाला जाएगा। तमाम जो ये कार्यकर्ता है वहां से लेकर के अरविंद केजरीवाल का वेलकम करते हुए, देखिए सिविल लाइन्स एक बार यहाँ जितनी तस्वीरें दिखाइए, यहाँ पर उनको लेकर के आया जाएगा, वेलकम किया जाएगा, और यहाँ उसके लिए मुकम्मल तैयारियां कर ली गई है। फूलमाला आप देख सकते हैं, बैंड, तमाम जो यहाँ पर कह सकते हैं तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन थोड़ा वक्त जरूर लग रहा है क्योंकि जो परवाना है रिलीज ऑर्डर हालांकि काफी देर पहले ही जारी हो चुका था, राउजनी कोर्ट से मैसेंजर लेकर निकला भी था, लेकिन दिल्ली में जिस तरीके से बारिश हो रही है, जगह जगह जाम लगा हुआ है, तो उससे थोड़ा सा इंतजार जो है वो बढ़ गया है। लेकिन ये कार्यकर्ता अपने नेता के वेलकम के लिए यहां पर जुटे हुए हैं। और एक आप बताइएगा, इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान तिहाड़ जेल के बाहर इस वक्त मौजूद हैं, उनका काफिला आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। ये भगवंत मान की कार है पंजाब के मुख्यमंत्री की, जो कि अरविंद केजरीवाल को रिसीव करने के लिए तिहाड़ जेल पहुंचे हुए हैं। अभिजीत हमारे संवाददाता इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। अभिजीत, क्या हो रहा है जरा बताएं, हम देख रहे हैं तिहाड़ जेल के बाहर मनीष सिसोदिया भी पहुंचे हुए हैं, भगवंत मान तस्वीरों में नजर आ रहे हैं पंजाब के सीएम, क्या हो रहा है? देखिए इंतजार की घड़ी थोड़ी लंबी होती जा रही है, तमाम नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं और वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल कब बाहर निकलेंगे। मेरी दाईं तरफ की तस्वीरें अगर मैं दिखाऊं तो ये जो गाड़ियों का काफिला आप देख रहे हैं इसी में पीछे भगवंत मान मौजूद है, और अब जो हमें जानकारी समझ में आ रही है उसमें ये कि मनीष सिसोदिया भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, तमाम नेता पहुंच चुके हैं, लेकिन उसी के पीछे लगा हुआ है लंबा ट्रैफिक जाम।
और ये ट्रैफिक जैम ही है जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल को आज जेल से बाहर निकलने में थोड़े ज्यादा वक्त लग सकते हैं क्योंकि रिलीज ऑर्डर पहुंचने में समय लग गया। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि अरविंद केजरीवाल के समर्थकों पर, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर इस इंतजार की घड़ी में उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं कि सामने ये जो भीड़ नारेबाजी कर रही है इसमें विधायक भी शामिल है, निगम पार्षद भी शामिल है और सब किस तरीके से जश्न मना रहे हैं। बारिश के बावजूद उनके उत्साह में आपको कोई कमी यहाँ पर दिखाई नहीं। अभिजीत, अभिजीत आते हैं आपके पास, लेकिन देखिए एक बड़ी जो खबर आ रही है, एक अपडेट जो आ रहा है वो है कि इस रिहाई को भव्य बनाने की तैयारी में है आम आदमी पार्टी और इसीलिए रिहाई के बाद केजरीवाल के रोड शो की तैयारी है। आज अरविंद जी को बेल मिली, आज खूब बरसात हो रही है और अरविंद जी के कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता डटे हुए हैं। वो अपने नेता को देखने, उनकी बात सुनने, उनको लेने आए हैं। जब तक वो आएंगे नहीं हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। आज सवेरे गणपति विसर्जन करके आ रहे हैं, पूरे देश में दिल्ली में गणपति जी बैठे हुए हैं। गणपति जी का आशीर्वाद अरविंद केजरीवाल जी के साथ में है। हरियाणा में भी हम सरकार बनाने जा रहे हैं और दिल्ली में शक्ति बनाने वाले गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। बरसातों के गोलियां भी चलेंगी। देखिए यहाँ पर गणपति बप्पा मोरिया किनारे भी लग रहे हैं।